दोस्तों, आप लोग टाटा HBX का काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं। सिर्फ आप लोग ही नहीं, टाटा मोटर्स भी अपनी HBX यानी टाटा की टेमेरो गाड़ी को लेके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टिंग कर रहा है। इसी टेस्टिंग के दौरान एक और नई खबर सामने आई है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको वो सारी डिटेल्स मिल सकें। वैसे तो मैंने दो वीडियोस पहले ही भी बनाए इसके ऊपर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको HBX के बारे में थोड़ी नई जानकारी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है विश्व जैन और स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात करें उन नई खबरों के बारे में, तो टाटा HBX इसी साल लॉन्च होने वाली थी, लेकिन कोरोना की वजह से आपको भी पता है वो डिले हो गई थी। लेकिन डिले तो हुई है, लेकिन टाटा मोटर्स इसको बहुत ही ज़्यादा टेस्टिंग कर रहा है ताकि टाटा मोटर्स को भी इसकी कोई कमी पेशी नज़र आ सके। और टाटा की जो HBX जब गाड़ी लॉन्च हो तब ये एक परफेक्ट गाड़ी निकल के आए। तो उसी दौरान एक नई फोटो सामने आई है इसके अलॉय व्हील डिज़ाइन की। दोस्तों, यहाँ पे आपको देख रहे होगी 14 या फिर 15 इंचीज के अलॉय व्हील्स देखने को मिल रहे हैं। इसके अंदर आपको डुअल टोन फिनिश मिलती है, ब्लैक और ग्लॉस ब्लैक एंड सिल्वर कलर की, जो कि गाड़ी को एक प्रीमियम एंड स्पोर्टी लुक देती है। इन अलॉय व्हील का साइज़ भी गाड़ी के ऊपर मैच करता है, बहुत ही ज़्यादा ये एक नेक्स्ट लेवल के निकल के आती है। जैसे कि मारुति सुजुकी इग्निस एक बोल्ड एंड फ्रेश लुक के साथ आती है, वैसे ही टाटा की HBX भी एक बोल्ड लुक के साथ आती है। अगर आपको नहीं पता, तो टाटा HBX एक माइक्रो SUV है, जिसकी कंपटीटर है मारुति सुजुकी इग्निस, हुंडई की अपकमिंग AX1 SUV और महिंद्रा की QE100 NXT। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके फीचर्स के बारे में, फ्रंट लुक है वो टाटा की हैरियर जैसा देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको स्प्लिट हेडलैम्प फंक्शन देखने को मिलेंगे। ऊपर की साइड आपको DRL मिलेंगे और नीचे की साइड मेन हेडलाइट यूनिट मिलेगा। ये या तो हैलोजन हेडलैम्प्स होंगे या फिर होंगे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। गाड़ी को आगे से बहुत ही ज़्यादा बोल्ड लुक देंगे। इसके अंदर आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश में मिलेगी टाटा की ग्रिल। और ये जो आप मॉडल देख रहे हैं, ये एक इसका कॉन्सेप्ट वेरिएंट है, लेकिन 80-90% गाड़ी जब ये प्रोडक्शन वेरिएंट में आएगी लोगों के सामने, तब ये सेम ही दिखेगी। बात करें साइड लुक की, तो यहाँ पे आपको ऑटो फोल्डिंग मिरर्स मिल जाएंगे, बॉडी कलर ORVMs मिल जाएंगे, कीलेस एंट्री मिल जाएगी और काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाएंगे। ये जो टायर्स आप देख रहे हैं, इसके कॉन्सेप्ट टायर्स है, और अब जो आप देख रहे हैं ये इसके फाइनल प्रोडक्शन टायर्स है। क्योंकि अगर बात करें हम रियर लुक की, तो दोस्तों यहाँ पे जो रियर लुक है नेक्सॉन जैसा देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ट्राई स्टार LED हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे, रियर वाइपर विथ वॉशर, रियर डिफॉगर, रियर स्पार्किंग कैमरा भी देखने को मिल जाएगा और रियर स्पार्किंग सेंसर भी देखने को मिल जाएंगे। और न्यू रूल्स के हिसाब से आपको जो रियर स्पार्किंग सेंसर है वो तो बेस वेरिएंट से ही देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर आपको एक नॉर्मल एंटीना मिलेगा, शार्क फिन एंटीना शायद से नहीं आएगा और इंटीग्रेटेड स्पॉइलर की भी चांसेस कम है। अगर इंटीरियर की बात करें, तो इसके अंदर एक स्पेशियस केबिन होगा। ये जो गाड़ी है उसके अंदर आपको इंजन सेम अल्ट्रोज वाला मिलेगा, 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड 3 सिलेंडर इंजन, जो कि ठीक ठाक पावर जनरेट कर लेगा, और 1.5 लीटर डीजल इंजन भी मिलेगा। और अभी न्यूज़ आ रही है कि जो अल्ट्रोस टर्बो में, जो नई अल्ट्रोस टर्बो के अंदर इंजन इंट्रोड्यूस टाटा करने वाला है, वही सेम इंजन इसके अंदर भी आ सकता है। इंटीरियर की बात करें, तो आप ये जो इमेजेस देख रहे हैं वैसा ही जब प्रोडक्शन गाड़ी आएगी तब भी सेम इंटीरियर होगा। इसके अंदर आपको 8 इंचेस की डेस्कटॉप टच स्क्रीन देखने को मिलेगी, जिसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और नेविगेशन जैसे सिस्टम्स देखने को मिल जाएंगी। इसके अंदर आपको 1 जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा। यहाँ पे आपको मल्टीफंक्शनल फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर एंड इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स मिलेंगे। इसके अंदर जो आपको इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलेगा वो कि सेमी डिजिटल होगा, और वो सेम होगा जैसा आपको देखने को मिलता है अल्ट्रोस में। ये गाड़ी 2 गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ आएगी, 1 6-स्पीड मैनुअल एंड 6-स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर। यहाँ पे आपको मैनुअल हैंड ब्रेक मिलेगी और बहुत ही ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे। इसके अंदर आपको लेदर सीट्स नहीं मिलेगी, इसके अंदर आपको सिंपल नॉर्मल ट्राई स्टार वाली फैब्रिक सीट्स मिलेगी। दोस्तों, गाड़ी बहुत ही ज़्यादा एक कम्फर्टेबल फील कराएगी और स्पेशियस भी होगी। ये टाटा अल्ट्रोस से ऊपर और टाटा नेक्सॉन से नीचे यानी बीच वाले वेरिएंट में आएगी। तो दोस्तों, यही थे मेरी कुछ नए अपडेट टाटा HBX के बारे में। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और सारी डिटेल गई होगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में तो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, साथ ही साथ नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों, Hyundai की AX1 SUV भी इसकी ही कंपटीटर होने वाली है, तो आप वो वीडियो भी जरूर से चेकआउट कर लेना, वो भी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में तो इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। How does it feel to breathe?